दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मास्टर दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं INT हिंदी टेक का अनोखा वीडियो, और यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड बैंक भी जारी करती है और NBFC कंपनियाँ भी जारी करती हैं, जो गैर वित्तीय संस्थान होती हैं वो भी जारी करती हैं आपस में मिलकर। अब इन सभी को दिशा निर्देश में ये जानकारी दिया गया है कि ग्राहकों के मंजूरी के बिना आप क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती हैं। मतलब अगर हमारे नाम से क्रेडिट कार्ड जारी हो रहा है तो हमसे एक बार परमिशन लिया जाएगा, उसके बाद ही कार्ड जारी किया जाएगा। साथ ही साथ जो मौजूदा क्रेडिट कार्ड ग्राहक है और उनको जो लिमिट मिला हुआ है, तो कभी बैंक क्या करती है कि लिमिट बढ़ा देती है, तो बिना जो है ग्राहकों के मंजूरी के भी आप लिमिट नहीं बढ़ा सकती हैं, इस दिशा निर्देश में ये बताया गया है। इसके साथ ही ग्राहकों से मंजूरी नहीं लिया जाता है और कोई अन्य सेवाएं भी क्रेडिट कार्ड पर चालू कर देती है। मतलब जब आपको कार्ड देती है उस समय चार्जेस कम होती हैं, सेवाएं कम होती है। अब जब देखा जाता है कि आप कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मानकर चलो कि साल भर या फिर 2 साल इस्तेमाल कर लिए, तो उस पर कोई नया चार्ज जोड़ दिया जाता है, कुछ नया सेवाएं सुविधाएं जोड़ दिया जाता है। ऐसे स्थिति में भी बोला गया है केंद्रीय बैंक के तरफ से कि ग्राहकों से मंजूरी लेना जरूरी है। अगर ग्राहक इसके लिए एग्री करता है, मतलब कोई नया चार्ज है अगर आप उसको जोड़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड पर नया से, तो ग्राहकों से मंजूरी लीजिए। अगर ग्राहक एग्री नहीं है तो आप कार्ड वगैरह बंद कर दीजिए या फिर आप उस चीज को लागू ना करें। तो इस तरह के दिशा निर्देश बताया गया है जो सभी बैंकों और गैर वित्तीय संस्थान जो भी है जो कार्ड जारी करती है उनको यह मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो जितना बिल अमाउंट होता है उसका 2 गुना जो है जुर्माना बैंक से वसूला जाएगा। बस आपको कंप्लेन कर देना है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो कार्ड आपके लिए जारी किया जाता है उसका संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की चार्ज को हाइड नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरह से होता है ना कि मुझे पता नहीं था कि क्रेडिट कार्ड पर इस तरह के चार्ज लगते हैं और वह चार्ज लग गया, तो ये जानकारी भी आपको पहले दिया जाएगा जब आपका क्रेडिट कार्ड जारी होगा। अगर बैंक आपको ये जानकारी नहीं देती है और चार्ज काट लेती है, तो जो बिल अमाउंट होता है, जो चार्ज लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग डबल जुर्माना के तौर पर उनको देना पड़ेगा। इसके साथ ही RBI ने यह भी बताया है कि जो कार्ड आप इस्तेमाल करती हैं और मानकर चलो कि उसका बिल पेमेंट नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में जो कार्ड जारी करने वाले बैंक या फिर कंपनियां होती हैं वो थर्ड पार्टी का सहारा लेती है वसूली के लिए, और उसमें गाली भाली ये सब तो चलता रहता है, डराना धमकाना। तो इस चीज़ पर रोक लगाने को कहा गया है। अब ग्राहकों को डराना भी नहीं है, धमकाना भी नहीं है। ऐसे अगर लीगल तरीका है तो उस तरह से आप उसका वसूली करें, लेकिन आप जो है किसी को कर ना डरा सकती हैं, ना धमका सकती हैं, मतलब इस तरह से वसूली नहीं कर सकती हैं। अगर इस तरह से वसूली करेंगे तो आप पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इसके साथ ही मास्टर दिशा निर्देशों के अनुसार 100 करोड़ रुपए के नेटवर्थ वाले वाणिज्यिक बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू कर सकते हैं, या कार्ड जारी करने वाले बैंकों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ गठजोड़ कर यानी कि साथ में जो है यह काम कर सकती हैं और कार्ड जारी कर सकती हैं। तो भाई, जिनका 100 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है वो भी अब जो है क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर NBFC सेक्टर हो, वो जो है बैंक के साथ जो जोड़कर मतलब पार्टनरशिप करके वो कार्ड जारी कर सकती हैं, ये चीज़ें भी बता दिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में कि भाई इसमें दिशा निर्देश में डेबिट कार्ड के बारे में क्या कहा गया है। तो डेबिट कार्ड के बारे में भी दिशा निर्देश में वही कहा गया है कि जारी करने से पहले परमिशन लेना होगा, उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि काफ़ी सारे बैंकों का आप ये देखे होंगे कि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी परमिशन के बिना ही 7 डेज के अंदर वो आपके घर पर कार्ड भेज देती हैं, डेबिट कार्ड, जिसमें एनुअल चार्ज वगैरह आपको लग जाती हैं और जरूरत भी नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में इस दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि बिना परमिशन के आप कार्ड जारी नहीं कर सकती हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ग्राहकों के हित में RBI का ये दिशा निर्देश जा रही है। बैंक वाले बहुत लूट लिए हो भाई, अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि RBI के यहाँ डायरेक्ट हम लोग अब कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर RBI की तरफ से ये बता दिया गया है, और फिर कंप्लेन कर दिए तो आप लोगों को उपाय नहीं है। आप लोग ऐसे ही डेबिट कार्ड वगैरह भेज देते हो बिना परमिशन लिए, तो अब जो है ऐसा
ऐसा नहीं करना है, बिना मंजूरी के आप कभी मत भेजना। अगर भेज देते हो, ग्राहक कंप्लेन कर दिया तो आप दिक्कत में आ जाओगे, जुर्माना वगैरह लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दिशा निर्देश के बारे में बताया, इसके साथ ही मैंने आपको इससे पहले पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को बंद करवाने की कोई बैंक के पास या फिर NBFC कंपनी के पास रिक्वेस्ट देती हैं और 7 डेज के अंदर वो बंद नहीं किए जाती हैं, तो ऐसे स्थिति में 8वें दिन से जो है आपको हर्जाना के तौर पर बैंक के तरफ से प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपया मिलेगा। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, कैसे मिलेगा, कैसे बंद करवाना वगैरह है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया दिशा निर्देश के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।